आज अपन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से ओमनियाकॉन के लिए। कॉफी या नहीं पियो? ओ भाई साहब, कोई रिस्पांस नहीं, कोई भाव नहीं। किस्मत खराब है यार, आज पता नहीं क्यों यार, आज क्या हो रहा है यार। किस्मत रील? हाँ दादा, 4 घंटे की मेहनत का मजा अब आ रहा है। कौन चिकरा बोल के? हाँ मिथुन चक्रवर्ती दादा, जिम्मी जिम्मी भाई साहब, लाइव स्नोफॉल। रात को अलग नजारा था और सुबह देख रहे हो, दिल खुश हो गया भाई। ये देखने का मन था और आज सुबह सुबह जब मैं सो के उठा, लघु शंका करने के लिए जगा था, यहाँ गया था भाई इधर। जैसे ही मैंने नजारा देखा मैंने कहा वाह, मेरा सोने का मन था पर फिर मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा अब तो बस यार वीडियो बनानी है। तो भाई वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईतिक क्यूल। मैं हूँ अभी ईतिक क्यूल में और आज अपन अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से ओमनियाकॉन के लिए। आज तो अपन ओमनियाकॉन नहीं पहुँचेंगे पर जितना हो सकेगा अपन जो है कवर करेंगे। ये फिलहाल मैं हाईवे के जस्ट पास में, मैं ये एक भाई थे इनके साथ रुका हुआ था जो कि यहाँ कैफे में काम करते थे। वैसे यहाँ हॉस्टल और होटल जो है बहुत महंगे थे, अपने को रात गुजारनी थी। भाई ने ईगर नाम है इनका मस्त यार, रात को नींद आई है यार जबरदस्त, मतलब हॉस्पिटैलिटी है ना फुल मिली है। तो चलो फिलहाल वो कह रहे हैं कि अभी कुछ खा पी लो उसके बाद फिर निकलना है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं। चाय वाय यार सुबह ठंड में चाय का मजा आ जाएगा यार, कॉफी का है ना, लेट्स गो भाई। ये अपना सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये भी 70 रूबल का है। मैंने कहा कोई नहीं यार, ये क्या थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट होता है और चावल क्या लाइट। तो अभी सुबह मैंने, क्योंकि मैंने रात को चावल खा लिए थे, तो अभी ये ले रहा हूँ। स्पासी पर बलशोई स्कूल का है था सेम नोल द या दाई स्तो है था। कॉफी या नहीं पियो? पका 10 विदानिया। तो भाई चलें फिर से वापस से रोड पे करेंगे हिचाइक। वो गाड़ी तो याकुत्सुक की तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है ओमनियाकॉन से याकुत्सुक जाना इजी है, ओमनियाकॉन थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मिलना मुश्किल है, पर ओमनियाकॉन से याकुत्सुक मिल सकता है मुझे क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं। मेरे को रास्ते में ही मिले थे, कह रहे थे हम लोग ओमनियाकॉन से ही आ रहे हैं, तो लेट्स गो। ज़रा सोचिए बी ये खतरे तुदा इली तुदा तुदा हाँ ओके स्पासीबा Откуда? Из Индии. Да. А что так далеко-то? Куда едешь? У меня кон. Магадан, что ли? Да. भाई अब तो और फिसलन हो गई है यार, मेरे जूते फिसलेंगे तो नहीं भाई, अगर मैं फिसला ना आज बहुत बुरा गिरूंगा, क्योंकि अब जो बर्फ है ना तगड़ी वाली फिसल रही है यार। अब जो है ना भाई, देखा मैंने कहा था ना मैं फिसलने वाला हूँ, फिसल गया, तो मतलब मुझे है ना केयरफुल डबल रहना पड़ेगा। और ये यहाँ का साइन है भाई, देख लो, भोले बाबा बचाना, बस आप ही के सारे इन जूतों से कटेगी। फिलहाल होप सो गिरे ही नहीं यार, गिरना यार बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा। भाई बहुत स्किड कर रहा है, स्किड जबरदस्त कर रहा है। मैं सिर्फ चल रहा हूँ क्योंकि पीछे भी बेटा आगे भी बेटा। अच्छा मैं ये बता रहा था, ये ट्रिप मेरे लिए, ओ भाई साहब जबरदस्त भाई, देखा मैंने बोला था ना मैं जबरदस्त स्किड कर रहा हूँ भाई। नहीं यार जूते चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि समझदारी वाला काम नहीं है। ये ट्रिप मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि भाई मैं एक तो बिना इंटरनेट के, दूसरा स्पोर्ट्स शू में, और तीसरी चीज़ हिचहाइक करके, और अभी टेम्परेचर यहाँ पे जहाँ मैं अभी हूँ फिलहाल -2 डिग्री है, आगे कितना क्या होगा पता नहीं। और ये अक्टूबर मंथ है, आज है 10 अक्टूबर, पर भाई ये जो है पहला एक्सपीरियंस है जो अपन इतनी बर्फबारी में, वो भी हिचाइक। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं
जो पहली बार मेरे चैनल पे नए हैं, तो भाई अभी तक की स्टोरी ये है। मैं हूँ अभी साखा रीजन में और मैं जा रहा हूँ ओमनियाकोन हिचाइक करके। और अभी इस टाइम पे मैं हूँ ईतिक क्यूल में। अगर मुझे जल्दी हिचाइक मिल गई तो आज अपन अच्छा खासा कवर कर सकते हैं डिस्टेंस, क्योंकि अभी तक मैंने 10 बजे या 11 बजे से हिचाइक चालू की थी और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मुझे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है। भाई बर्फ़ में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं देखो बैग की क्या हालत हो रही है, इसको ढक लूँ यार पहले, वरना इसमें पानी पानी हो जाएगा। यार पता है जब बारिश या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है ना तो थोड़ा आप चीज़ों को कर सकते हो, पर जब ऐसे बारिश हो रही हो या बर्फ़ गिर रही हो तो आपको अपने आप को तो बचाना ही है, साथ ही साथ आपको ये देखो बैग को भी बचाना है, पीछे भी आगे भी, क्योंकि इसके अंदर अगर गीला चला गया ना, नमी चली गई, क्योंकि इसमें अपने लैपटॉप वगैरह है, चार्जर वगैरह है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है और हिचाइक का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता आपको एक घंटे बाद मिले, दो घंटे बाद मिले, क्या पता तीन घंटे बाद, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। अब आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ही हिचाइक सोचना, खास करके अगर आप ओमनियाकोन की तरफ जा रहे हो। मतलब ईजी कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मत करो, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर नवंबर दिसंबर जनवरी ये जो है यहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी होती है और अभी जो है ना बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो जब आप दिसंबर या जनवरी की बात करो ना तो बहुत ठंड होगी यहाँ पे, और हिचाइकिंग के लिए जब आप बाहर खड़े होगे ना हालत टाइट हो जाएगी भाई। जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस मैं ये कहूँगा कि दिसंबर जनवरी में यहाँ हिचाइकिंग ट्राई मत करना, टैक्सी वैक्सी से ट्राई कर सकते हो पर हिचाइकिंग नहीं। लाल भाई अभी एक गाड़ी आ रही है दूर से, बस यार ये रोक ले मज़ा आ जाएगा। अभी हाथ तो दे रहा हूँ, लेट्स सी। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई भाव नहीं। भाई अभी चौराहे पे तो ज़्यादा लोग आ नहीं रहे उस तरफ से, तो ये जो कुछ ट्रक खड़े हैं इनसे जाके पूछते हैं। भाई ऑलमोस्ट मुझे एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ खड़े खड़े। भी खुदा ये खत भी खुदा खुदा मगधन मिने तुझे हैं यार। ये जा तो रहा था बंदा पर लेके नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, बैड लक। भाई मुझे ना डेढ़ घंटा हो चुका है, अभी टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं और अभी तक दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है। वो जो ट्रक खड़े हैं वो कैफ़े में गए हैं, तो वही है जो बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो दो ऑलरेडी हैं तो ट्रक में उतनी जगह नहीं है, क्योंकि मेरा बैग भी है और फिर उसका मन भी नहीं है यार, क्या कर सकते हैं अपन, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। मैंने बोला यार प्लीज़ भाई ले चल, कहता नहीं भाई। कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं शायद रोक ले। पंद्रह मिनट और हो चुके हैं पर भाई एक एक मिनट जो है ना बड़ी मुश्किल से कट रहा है यहाँ। रस सोचिए खान दिया का खान दिया अदा ओए ते दरोगी ती ये का ये ये हाँ ओके स्पेसिफ। भाई उसने गाड़ी तो रोकी पर वो वहाँ जा नहीं रहा था। कि अभी टेम्परेचर जो है वो +3 हो गया है और बर्फ़ जो है ना वो कम हो गई है गिरना, मतलब गिर तो रही है पर पहले बहुत ज़्यादा गिर रही थी अब कम हो गई है। देखते हैं यार बस, पर अभी तक हिचाइक नहीं मिली है, 10:30 बज चुके हैं। होप सो रोक दे। कुदा कुदा नियत तो दा पसीवा। एक गाड़ी तो रुकी पर वो इस तरफ जा रही थी, मैंने कहा नहीं यार उस तरफ नहीं जाना है, इधर खड़े होते हैं अपन, थोड़ा सा जगह भी चेंज हो जाएगी, क्या पता अपनी किस्मत भी बदल जाए। क्या इज हिंदी
Вчера в этом автостопом же стоял, вчера видел. Видео? Тебя видел. Ты смотрел? Да. А? Я автостопом машину останавливал. Да, да. Куда едешь? А, у Мехоне. У Мехоне? Да. А что там делать? А, смотри, люди как, а, они живут здесь. Очень холодно, да? Холодно, да? Да, да, да. Давай. Спасибо большое. मुझे पता नहीं था, मैंने कल एक वीडियो डाला था कि हाँ भाई मैं जो है ना लिफ्ट ले रहा हूँ, हिचहाइकिंग का शॉर्ट डाला था। यहाँ वो आके बोल रहा है कि भाई मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। यार पूरी मेहनत वसूल हो जाती है भाई जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे जो है ना 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ खड़े खड़े, और बर्फबारी फिर से चालू हो गई और टेम्परेचर फिर से 2 डिग्री, मतलब वापस से गिर रहा है। ख़तरनाक यार, कोई भी नहीं आया यार अभी तक। पता नहीं क्यों यार, आज क्या हो रहा है यार। पहले मैं उधर खड़ा था, उस ट्रक पे भी गया, फिर आया, अभी यहाँ खड़ा हूँ उसके पास। बस यार हिचहाइक मिल जाए यार जल्दी से, हाल बहुत टाइट है आज। अभी खानदिया तक ये जा रहे हैं भाई साहब, लेकिन अब लेट्स सी, खाना खाने गए, कह रहे हैं खाना खाने के बाद चलेंगे। मैंने कहा चलो जब तक मैं खड़ा हूँ बस ये ले जाए यार, मना ना कर दे आके, मूड चेंज ना हो जाए इसका। भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ, किस्मत ख़राब है यार आज। मतलब वो खाना खाने गए, खाना खा के जैसे ही आए ना, कह रहे भाई के डेंजर है, पुलिस मतलब परेशान करेगी। मैंने कहा यार शिट। अब अभी उन्होंने बोला ये छोटी वाली गाड़ी जाएगी, पूछता हूँ इससे, चलो इसी से पूछता हूँ। यार बैंड हो जाएगी, अब थोड़ा रेस्ट करूँगा यार अंदर जाके। थोड़ी देर अपने कंधों को रेस्ट तो दे दिया इसके अंदर। ये पेट्रोल स्टेशन है अंदर, मस्त यार मज़ा आ रहा था। अब थोड़ी सी कंधों में जान आ गई है वापस से, तो चलो फिर से होते हैं खड़े अपने अड्डे पे। पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है कि कैफ़े के अंदर ही जाओ, वहाँ लोग खाने खाने के लिए आते हैं, जो जिनके पास बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वहाँ से तुम्हें शायद लिफ्ट मिल जाए। तो देखते हैं, पहले ये वाली कार देखता हूँ, नहीं तो वहाँ ही देखूँगा, क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं। बहुत रिलैक्स मिल गया बैठ के, बैग उतार दिया था थोड़ी देर के लिए। ये 12 बज चुके हैं, कोई हिचाइक नहीं है, टेम्परेचर -2 से अभी 4 डिग्री आ चुका है, बर्फबारी भी कम हो गई है, पर हाँ अभी भी हो रही है यार। बर्फबारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिलहाल मेरे को जो फ़र्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है हिचाइक ना मिलने से यार। 4 घंटे मेरे बर्बाद होगा, पता नहीं यार कहाँ पहुँच पाएंगे यार। 1 बजने वाला है, 8:30 पे आ गया था और 8:15 पे ही मैं जो है ना यहाँ आके खड़ा हो गया था। अभी तक एक लिफ्ट नहीं मिली है यार, बहुत हो गया बोरिंग, बहुत हो गया अत्याचार। अब मैंने जो है ना अपना निकाल लिया इंस्ट्रूमेंट, गाड़ी में दे दो जगह तू, इससे क्या ना थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा और थकान कम महसूस होगी। भाई आखिरकार 2 बजे जाके इस भाई ने भाई जान बचा ली। अभी वापस से देखो बर्फबारी हो रही है जबरदस्त। स्पासिबो बोलशे भाई, बीजो सजी, हां как вас зовут? Костя. Костя? А, приятно познакомиться. बहुत तगड़ी वाली जो है ना बर्फ गिर रही है, ये देखो। इससे पहले जो है अभी तो चलो बर्फ गिर जाएगी तो सही हो जाएंगे रास्ते थोड़े, इससे पहले क्या बाढ़ आई हुई थी करीब 1-2 महीने पहले, तो उस वजह से रास्ते खराब थे। और अब ये देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, भाई खूबसूरत है बहुत, पर हिचहाइकिंग के लिए बहुत दिक्कत है यार। 4 घंटे में खड़ा रहा, उसके बाद एक कहते नहीं यार सब्र का फल मीठा होता है, भाई मिल गया, अब देखते हैं कहाँ तक छोड़ेगा यार। मैंने बिठा
हाल हो यार, यहाँ से निकलेंगे तो कम से कम कहीं तो पहुँचेंगे यार, 100-200 किलोमीटर करेंगे यार, धीरे धीरे कवर करेंगे। बर्फ देखने के शौकीन है ना भाई, यहाँ आओ, यहाँ देखो भाई, इतनी बर्फ है ना, रोड नहीं दिख रही है, सारा सब कुछ जो है ना बर्फ से ढका हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ तो फिसल रही हैं, एकदम ऐसे स्किड करती हुई जा रही हैं, 4 घंटे की मेहनत का मजा अब आ रहा है। टैम्पोंस किराया, टैम्पोंस किराया भाई। अब देखो अपन जा रहे हैं इस रिवर को क्रॉस करने, वो जाएंगे इस शिप के अंदर। वाह जी वाह, ये एडवेंचर बड़ा एक्साइटेड है। अभी देखो अपन जो है ना मस्त शिप के ऊपर है, और पता नहीं यहाँ का चार्ज कितना है ये तो बाद में देखेंगे, फिलहाल ये देखो। अरे यार कीचड़ से गंदा हो गया, मैंने कहाँ ही हाथ लगा दिया। ये देखो, आहा, वाह जी वाह। मुझे लगता है दिसंबर या फिर जनवरी में ये पूरा जो है ना ये जम जाता होगा, तो फिर यहाँ से आराम से कार जा सकती है, पर अभी नहीं, अभी अपने को इस शिप से जाना पड़ेगा। ये वाली अपनी गड्डी है जिससे अपन आए हैं, चेरिस कॉल का प्रीमियर चार बजे चेरिस चार холодно, да? Я здесь холодно. Это же тепло. Да, давай инди тепло, много тепло. А, рискунчик работы. А, Митин Чакравати. Да, да, да. Ты знаешь? Джимми, Джимми. Ача, ача. Наш герой. Там индийский фильм уже как пиздец, как супергерой. Раньше в клуб ходили специально. Может быть, когда я upload в YouTube, Митин Чакравати смотрите. Приедет? Да? Да. Привет. सर आपकी भाई क्या फैन फॉलोइंग है यार, हर जगह देखो यार, यहाँ पे भी सारे लोग जो है ना मिथुन चक्रवर्ती को जानते हैं। कगदा ती स्मात्रिल मिथुन चक्रवर्ती? ओ दवनो 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 कगदा ती मालिंगी? दा कगदा मालिंगी तंसिवाली करशो। कक ती वे जबूत? पावेल पावेल मिने जबूत राम। Русский много знаешь? Нет, чуть-чуть. А, то бас, бай, аби ин лого се бас бате кар рада, тайм пас кар рада. Баки ठंड यार बढ़ती जा रही है, अब और कपड़े निकालने पड़ेंगे अपने को। Одну знаю. Ашвари рай. Ашвари рай. О. Я кумир индийских фильмов. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Ты знаешь много Bollywood actors? Да. Сиди твиги тупо. А ты куда, в Магадан едешь? Я? В Оймекон. Да, у Оймекон. Оймекон? Нет, он в Оймекон, а я на Магадан. Кадаге вали, ठंडे भाई, कड़ाके वाली। ये देखो भाई, ये जो है ना लग गया भाई पूरा। अब रेडी। दबाए। दबाए। भाई ये देखो, ये साइड में चल रही है, इसका मुंह वैसे मेन मुंह उस तरफ है पर ये इस तरफ चल रही है। मस्त यार, जबरदस्त भाई, सॉफ्ट ठंड है यार बहुत। बाहर तो मतलब खड़ा नहीं हुआ, जरा कार में ही बैठता हूँ यार। पर यार एडवेंचर जो है ना जबरदस्त है, ये जो फीलिंग है ना अनबिलीवेबल। मुझे वापस भी जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि ये बोल रहे हैं ये जो है ना जमना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब बर्फबारी हो गई है, फिर इसमें शिप नहीं चल सकता, तो कुछ टाइम के लिए फिर ये रास्ता बंद रहेगा, तो मुझे यार वापस जल्दी आना पड़ेगा, वरना पता पड़ा मुझे रशिया वाले बोलेंगे भाई ओवर स्टे क्यों कर रहे हो।
तो मैं जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। घनघोर रात हो चुकी है, अब जाके शिप ने हमें उतारा है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कारों के लिए क्या करेंगे। फिलहाल के लिए अपन ने यहाँ ले लिया है रूम। Заснял прогулку? Да. ये अपना रूम है, अपन ने बैग वैग पहले रख दिए थे। अभी थोड़ा बाहर से कुछ खाने के लिए लेने गए थे। ये 1500 रुपये पर बेड है अभी, क्योंकि कुछ था नहीं तो अपने का ले लो यार, रात भी काफ़ी हो चुकी है। कल सुबह 5 बजे फिर से निकलेंगे राइड पे। अभी यही मुझे आगे तक लेने जाने वाले हैं, तो मैंने कहा ठीक है यार, खाने का थोड़ा बहुत था वो मैंने दे दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 7 तो रहेगा भाई, बंदा यहाँ तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी कल देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई सुबह के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।